साल पहले डेथ हो गया था उनका। मतलब? मरा हुआ आदमी से शादी हुआ हमरा। लोग अपनी सरल जिंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी से उम्मीद लगा लेते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। ये केस तब का है जब मैं बिहार के भागलपुर के नाथनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। जब ये केस मेरे सामने आया तो मुझे जिंदगी का एक अलग ही पहलू देखने को मिला। अनैतिकता का ऐसा घिनौना खेल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। साल पहले डेथ हो गया था उनका। मरा हुआ आदमी से शादी हुआ हमरा। बहुत विचित्र तरीका से हमरा शादी हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम भगवान पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब वधु वर को वरमाला पहनाएगी। ये लो बेटा। ये क्या हो रहा है? डाल दो बहू, डाल दो, डाल दो, डाल डाल। अब वर वधु को माला पहनाएगा। पहले आप लोग यहाँ पे स्पर्श कराइए, आप भी स्पर्श करिए। पटना विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं है? जब आप सुबह सो के उठी तो आपके बगल में कोई था? बोलिए जी। भानु। कौन भानु? जिस मरा हुआ आदमी से हमारा शादी हुआ ना, उसका छोटा भाई। यादव जरा पता कीजिए। सर चलिए। अरे किसी को कुछ होश होश है कि नहीं? घर से बहू बाहर निकल गई है, हर कोई कह रहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अरे किसी को कुछ बताओ तो कि कहाँ गई है वो? अरे तभी ना कह रहे हैं, इतना सब लोग हो तुम लोग, देख नहीं सकते थे कौन कहाँ जा रहा है? लेकिन हम तो अभी सो के उठे हैं। तुम तो सोते रहो बस। और तुम कहाँ थे रे? अरे भैया हम तो बेडरूम में ही थे ना, पता नहीं कब उठ के चली गई। और आप लोग चिल्लाइए मत, हम जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं। तो खाली पापा, पुलिस, पुलिस। कहा हुआ बहू? दरोगा जी, लड़की बोल रही है कि मरा हुआ आदमी से शादी करवाएं आप लोग इसका। मरा हुआ आदमी? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये हमारा बेटा है छोटा भानु, इसके साथ ब्याह हुआ इसका। ए जा एल्बम लेके आ जरा। हाँ अभी लाते हैं। देखिए जब आप एल्बम देखिएगा आपको सब पता चल जाएगा। अरे बारात गई, विधि विधान से शादी हुआ, अब कैसे समझाएं हम आपको? अरे लाओ, ला रहे हैं। ले लीजिए। और दिखाएं। साहब पगला गई है लड़की, भोरे भोरे बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चली गई थी घर से। क्या ये सब? वो जो लकड़ा खंभा को हम माला पहनाए थे वो? अरे बताए थे ना तुमको, घर का रिवाज है, गृह पीड़ा शांति के लिए सब करना पड़ता है। हाँ सर पापा सही कह रहे, बिल्कुल इसकी शादी हमारे साथ हुई है। ठीक है, संभालिए अपनी बहू को। सर लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ भी बोल रही है सर। ठीक है, हेलो सर, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मतलब किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से पहले मर्डर हुआ है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है। सर
वो जो बॉडी पे सिम मिला था ये उसकी रिपोर्ट है और आधार कार्ड का कॉपी भी। ठीक है। मधु मिश्रा 23/17 इसकचक भागलपुर डॉटर ऑफ प्रकाश मिश्रा। आदव जी सर ससुराल वाले मार रहे हैं उसको। साहब वहां पर उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था, एक रोज फोन करके बताया उसने हम लोगों को। हाँ मधु बोल। पापा हमारा शादी फर्जी है। अरे क्या बोल रही है, क्या पागलों जैसा बात कर रही है। हाँ पापा 3 साल पहले ही मर चुका है वो। कहाँ? मधु पापा हम आपको बाद में फोन करते हैं। उसके ससुर को फोन किए आप, वो तो फायर हो गए, कहने लगे कि आपके आंखों के सामने आपके आंगन में अपने छोटे बेटे भानु के साथ शादी किया था। एक मिनट, क्या नाम बताया? भानु। भानु, ये आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? वो ठेकेदार है ना साहब, लल्लन चौबे उन्हीं के हैं। तिलक माझी चौक वाले? जी साहब। सर ये तो वही लोग हैं, और वो लड़की सुमन, उसने भी इन लोगों के बारे में बताया। सुमन तिवारी नाम की औरत पहले ही मेरे थाने में आ चुकी थी, और फिर ये मधु मिश्रा का केस, दोनों ने ही भानु चौबे का जिक्र किया था। दोनों औरतों की कंप्लेन भी एक जैसी थी। कौन था ये जो एक मरे हुए आदमी से जिंदा लड़कियों की शादी करवा रहा था, और क्यों? और फिर उन दोनों में से एक औरत की हत्या हो गई, और जब उसकी जांच करने हम लल्लन चौबे के घर पहुंचे तो वहां एक अलग ही महाभारत छिड़ गया। आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, आप लोग पुलिस को बहला सकते हो, हमको नहीं। और तुम कितनों को बेवकूफ बनाए हो? हाँ ए चुप कर, नहीं तो अभी हम तुम्हारा ये तो क्या क्या करेंगे। ए चुप, बहुत जुबान चलने लगा तुम्हारा, बाबूजी इलाज करना पड़ेगा इसका। अच्छा इलाज करेंगे अब हमरा? हाँ क्या इलाज करेंगे? क्या हो रहा है? ये सब किए हैं, हमारी लड़की इन लोगों के चलते मारी गई और ये मारे हैं उसे। ए क्या बकरी है तू? हम बकरे हैं, हम बकरे हैं, कमीनी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हो रहा है? देखिए सर हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ देख लिया, पहले ये बताइए कि किस मरे आदमी से आप लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। फालतू का बात है सर, मरे हुए आदमी से किसी का शादी होता है भला? ये जो है मिश्रा जी, इनके बेटी से हमारे बेटे भानु का शादी हुआ है बस। पर इस भानु की शादी तो सुमन के साथ हुई थी ना? सुमन से पहले पहले इससे शादी हुई थी मिश्रा जी की बेटी से। हाँ सर, और इनकी बेटी शादी के दूसरे ही दिन भाग गई थी। नाना सर ऐसा कोनो बात नहीं है, ये एकदम झूठ बोल रहा है। अरे का झूठ बोल रहा है? अरे ये तो बताइए हमारी बेटी का शादी किसके साथ करवाया है? काहे तुम नहीं थी का मंडप में? हाँ अरे तुमरे आंगन में तो भानु का शादी करवाए थे, और तुमरे घर में आए थे ना बारात सजाते जाके, भूल गई क्या? और तुम्हारे घर से ही बहू को विदा करा के ले गए थे, याद है कुछ की नहीं? वो सब नाटक था, ड्रामा था। सच तो ये है इन लोगों ने किसी मरे हुए आदमी के साथ हमारी बेटी का ब्याह किया है, उसे टॉर्चर किया है और जलाकर मार डाला उसे। टॉर्चर किया है इन लोगों ने? झूठ बोली ना कर तो मुंह नोच लेंगे। शांत जाइए आप लोग अपने घर, जाइए जाइए। इन लोगों को छोड़िएगा मत, हमारी बेटी को जलाकर मार दिए हैं ये लोग। यादव जी चलिए। ये फोटो किसकी है? सर ये हमारे बड़के भैया थे बद्री चौबे, 3 साल हुआ डेथ कर गए। यादव ये मधु शादी के एक दिन बाद ही अपनी ससुराल से निकल गई, पर गई कहाँ? साहब ये मधु मिश्रा के सिम के कॉल रिकॉर्ड्स। हाँ ठीक है। यादव जी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो मधु का फोन 7:23 में बंद हुआ था है? मोबाइल लोकेशन के हिसाब से पहले वो तिलक मांझी से इसक चौक गई, मतलब अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर। हाँ और उसके 20 मिनट बाद नाथनगर,
वहाँ उसका फोन 7:23 पे बंद हुआ है। मतलब मधु अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर गई, फिर अपनी माँ के घर से निकल के कहीं और चले गए। लेकिन सर मधु के माँ बाप ने हमसे ये बात नहीं बताई थी। मतलब आप जो बोले कि मधु का आपको फोन आया वो सब झूठ था। सर फोन नहीं आया था, वो खुद आ गई थी शादी के एक दिन बाद। अरे आ रहे हैं भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह आ गया मधु। अरे क्या हुआ भाई, क्या बना रखा अपना हालत भाई? हाँ ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी तो तेरा ब्याह हुआ और इतनी सुबह तो यहाँ क्या कर रही है और रो पा रही है? क्या बात है, ये सब क्या है? हाँ पापा, हमारी शादी फर्जी है। हमारी शादी एक मरे हुए आदमी के साथ हुई है, वो 3 साल पहले ही मर चुका था। अद्री चौबे, भानु का बड़ा भाई। ये क्या बोल रही है तू? हेलो, हाँ हम घर पहुंच चुके हैं, बस आते हैं। किसका फोन था? वो राजेश राय, दोनों में दोस्ती थी ना। मतलब दोनों के अफेयर वाली बात सच है? अरे सर बोले ना, इसीलिए तो हम लोग किसी से कुछ बोले ही नहीं। एक तो गलत जगह ब्याह हो गया और ऊपर से बेटी का अफेयर। किससे लड़ते हैं? ससुराल वाले से? ये किससे एफआईआर करते हैं? सर पीछा नहीं किया उसका? सर वो घर से बाहर निकली, हम भी उसके पीछे गए, लेकिन बाहर ऑटो खड़ा था, उस पर बैठ के वो निकल गई साहब। और उसके जाने के बाद आपने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने आपसे? बहुत सोच समझ के उसका ब्याह था किए थे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि उसका अफेयर था। अफेयर तफेयर हम नहीं जानते। हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत अत्याचार हुआ है, नहीं तो कहीं भागती वो वहां से। हेलो। हेलो सर, मैं सिंटू बोल रहा हूँ, राजेश राय का पता चल चुका है। देखो खबर है कि बॉडी मिल गया है। भाग लो बेटा। और हाँ सुनो, पुलिस ने पकड़ा तो हमारा नाम मत लेना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फोन रखो अभी। ये राजेश राय कहाँ रहता है? वो है ये शादी के एक दिन बाद ही वो भाग के तुम्हारे पास चली आई थी, उसके बाद से वो गायब। सब सब आई थी साहब, पर सब हम मारे नहीं उसको साहब। सब 3 साल से लव करते थे साहब उसको, जबरदस्ती शादी फिक्स कर दिया साहब उसका। वो तो सुसाइड तक का सोच ली थी साहब, तो हम बोले कि मिलो हमसे। सर शादी के एक रोज पहले हमसे आके मिली। राजेश, राजेश प्लीज कुछ करो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। घबरा काहे रही हो? देखो हमारे पास एक अवसर है। क्या? हम यहाँ से कलकत्ता निकल चलते हैं। कब? तुम हमको एक दिन का टाइम दो, ठीक है? तो टिकट निकालना पड़ेगा और कुछ पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे हो सकता है? 8 बजे शादी है ना, हम 7 बजे तुम्हारे घर के पीछे वाली रोड पे तुम्हारा वेट करेंगे। तुम निकल आना, फिर वहां से स्टेशन और स्टेशन से कलकत्ता। कहाँ हो तुम? मधु हम आ रहे हैं, बारात बस पहुंचने ही वाली है। तुम चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना। अबे भैया गलती हो गई, देखिए काम है, अंदर आएगा। अरे जल्दबाजी में थे, देखिए गलती हो गया, आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। आप हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख लीजिए। अबे इतना मारेंगे ना, इसका मार मार के कनपटे लाल कर देंगे। चल चल 10,000 रुपए निकाल चल। अरे 10,000 किस बात का? 200 रुपए का मटका डाटा हम दे देंगे ना। अरे मेकअप हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। अरे जल्दी करो भाई, सब लोग हैं दरवाजे पर, बारात लगने वाला है। तुम चलो उसे सजने दो, चलो। हाँ, चलो जल्दी ले आओ उसे। आ जाओ, आओ। चलो।
तू, हमसे गलती हो गया। देखो मत, लाइफ ओवर हो गया है हमारा, ओवर। तुमने हमें धोखा दिया और यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ है। मधु देखो, तुम रो मत मधु, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे मधु, हम है ना, हम आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। हाँ तुम मधु मेरी बात सुनो, देखो वो जो नाथनगर वाला पानी का टंकी है ना, तुम सुबह सुबह 6 बजे वहाँ आ जाना, हम पहुँच जाएंगे। दुल्हन, ओ दुल्हन, कहाँ लगे थे? रो रो मत, तुम आए क्यों नहीं? देखो यकीन करो, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा शादी फर्जी हुआ है। फर्जी मतलब? जिससे हमारा शादी हुआ है वो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब शादी हुआ ही नहीं तुम्हारा? पर राजेश, रात में कुछ हुआ हमारे साथ, कोई था कमरे में हमारे बेड पे, हम बेहोश थे, पर सच में हमारे साथ कुछ हुआ। राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश क्यों? तुम घर लौट जाओ। राजेश, हम शाम में फोन करेंगे तुम्हें। राजेश, तुम मुझे प्यार करते हो? राजेश, मतलब उसको छोड़ के तुम निकल गए? हाँ सर। ये भानु का दोनों लड़कियों से शादी हुआ था ना? हाँ सर। हमको लगता है कि असली खिलाड़ी ये भानु ही है। मतलब सर, ये मधु ने राजेश को अपनी फर्जी शादी के बारे में बताया था, और फर्जी शादी नहीं बल्कि ये भी बताया था कि उसके साथ संबंध भी बनाए गए कोई नशे की दवा देकर। और राजेश के बयान के हिसाब से हमको लग रहा है कि ये चौबे फैमिली कोई ना कोई कांड की है। ये चौबे फैमिली जलेबी खिला रही है हमको। चौबे जी, आपकी दोनों बहुओं ने एक ही बात बताई, फर्जी शादी। साहब, उस दिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, शादी तो हमारी भानु से ही हुई है। हाँ साहब, उस दिन थोड़ा इसका माइंड ऑफ, मतलब मूड ऑफ हो गया था, इसलिए ऐसा बोल रही थी वो। ए, पुलिस से ज़्यादा होशियारी की ना तो यही मूड ऑफ कर देंगे, समझा? और तुम बयान से ही पलट गई। हाँ सर, जो बोल रही है सच्ची बोल रही है, इसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कानून नाम का भी कोई चीज होता है। आवाज नीचे, पुलिस को कानून बताओगे? जाधव जी, चलिए। जाधव जी, इस भानु के ना कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए, ये जरूर कोई ना कोई कांड करके बैठा है। अच्छी खासी पोस्ट ऑफिस की नौकरी थी, उसका इंटरव्यू देने नहीं गए तुम? कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पे ये बिजनेस करने का? और वैसे भी तुम्हें बिजनेस का कौन सा अनुभव है बताइए? हम बाद में बात करते हैं तुमसे आके। हाँ, छोटे भाई को बिजनेस का भूत सवार हुआ है, अब तुम ये मत बोलना कि वो सही बोल रहा है। हाँ, क्या लेकर आए? सर, आपका शक सही था, जिस दिन मधु का मर्डर हुआ मधु की फोन की लोकेशन इशक चक का था। तिलक मांझी से इशक चक, यानी कि भानु लड़की का पीछा कर रहा था। यादव जी, इस भानु को अरेस्ट करो, इससे पहले कुछ और कर दे। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, क्या? एक काम कीजिए, फॉरेंसिक को भेजिए, हम लोग आ रहे हैं। यादव जी, फॉरेंसिक किस लिए? सर, वो चौबे जी के घर चलना होगा, तिलक मांझी। साहब, हम बताते हैं, शादी के एक दिन बाद हमारे बोरे बोरे आंख खुल गए साहब। ए, कहाँ चल रहा है? हाँ, कहाँ भाग गए वहां से? क्यों, तुम नहीं जानते? बाप बेटे मिलके धोखा दिए हमें, अब हमें वहाँ नहीं रहना। ए, पगला गई हो का? नहीं रहना है हमको। अरे शादी हुआ हमारा तुम्हारा, तुमसे नहीं, तुम्हारे मरे हुए भाई के साथ। इसका मतलब तुम अपने घर लौट गए और वो अपने घर? जी सर।
इतना खातिरदारी करेंगे ना तबीयत हरा हो जाएगा। सच बोल। बाल साहब हम सच ही बोल रहे हैं, साहब झूठ नहीं बोल रहे। जैसे अभी तक सच बोल रहे थे। दो दो फर्जी शादी किए और दोनों का मर्डर ही सही बताओगे कि रिमांड पे ले? अब हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ बाबूजी ये कहने पे हमने शादी की, फर्जी शादी। मतलब? मधु और सुमन ठीक ही कह रही थी, उसका भी हमारे बड़े भैया से हुआ था साहब। पर वो तो 3 साल पहले ही मर गया था ना। हाँ साहब 3 साल पहले बद्रे पे बीमार पड़ गए थे, तभी उनका डेथ हो गया। पुरोहित जी ने बोला बिन ब्याह मरा है वो। कौन, किसका बात कर रहे हैं पंडित जी? तुम्हारा बेटा बद्री, कलेश है उसकी आत्मा में, मुक्ति नहीं मिल रहा है उसको और उसी का कोप पूरे परिवार को खा रहा है। क्या करें पंडित जी? करना क्या है, ब्याह कराओ उसका। पकड़ा गए का पंडित जी, मरे हुए आदमी का ब्याह होता है? होता है। कैसे? हमारे माँ बाप बद्री भाई के लिए लड़की भी ढूंढने लगे। ये सब हमारे नाम से हो रहा था, मैंने नाम और चेहरा हमारा। चौबे जी हमने तो मधु से पहले ही कह दिया था कि शादी से पहले अपनी पढ़ाई उड़ाई पूरी कर लो। बेटा चाहिए तो सबको। फिर बारात चढ़ा और विधि विधान से हमारा और मधु का शादी भी हुआ। फिर शादी के बाद मधु को घर लेकर आए तो पंडित जी ने ओम शांति शांति। गठबंधन का वक्त हो चुका है, गठबंधन करिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारे घर की रस्म है, इससे ना ग्रह पीड़ा शांत होती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करो। फिर एक दिन बाद मधु घर से भाग गए। मधु के जाने के बाद पंडित जी के बोलने पर हम लोगों ने फिर से दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दी और इस बार हम लोग एक करीब घर की लड़की फाइनल की सर। जो ज्यादा आवाज ना उठाए। एक बात बताओ, तुम लड़की के साथ सुहागरात मनाए कि नहीं? वो दरअसल हमें लड़की के बॉयफ्रेंड ने बयान दिया है कि तुम लड़की के साथ फिजिकल हुए थे। हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम लड़की के साथ सोए थे या नहीं? हमें उस कमरे तक जाने ही नहीं देते थे, बस सुबह सुबह भेज दिया जाता था हमें। भानु दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई की बहू है, कहाँ घुसे जा रहे हो? चल जाओ जाओ सो जाओ जाओ चल। माँ ने सुबह उठा दी और मधु के कमरे में भेज दिया। बाबूजी ने बोला कि जब मधु पूछे कि तुम कहाँ थे तो बोलना कि इधर ही बेडरूम में ही थे। और सुमन उसके साथ भी यही सब किया ना तुम लोगों ने? जी पर वो भागी नहीं। हाँ क्योंकि वो थाने आ गई थी इसलिए उसे भी मार दिया। किसी को नहीं मारा सर। तो किसने मारा? तुम्हारे उस जाहिल बाप ने। उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बस आने वाली है। सर आपको जो जांच कराना ना करा लीजिए, पर सच बात यही है कि हमने किसी को नहीं मारा। फिर वो फर्जी शादी और वो शादी जो तुम्हारे मरे हुए भाई से हुई थी, वो सब दोनों लड़कियों को कैसे मालूम हुआ? वो हमने ही बता दिया था सर। खेल हो रहा है हमारे साथ। बिया की वेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर का भैया का, जिसको मरे हुए 3 साल हो गया। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सुनिए क्या हुआ? आप थोड़ा देर भी बैठकर हमसे बात काहे नहीं करते हैं? अम्मा से जाके पूछो ना, शादी हमारे साथ हुआ क्या तुम्हारा? मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा शादी हमारे साथ नहीं बड़के भैया के साथ हुआ है। हाँ ये जो 3 साल पहले मर चुके हैं। और जब यही बात सुमन ने पुलिस को बताई तो उसे मार दिया तुम लोगों ने? साहब हमने किसी को नहीं मारा, कितनी बार बोले। जा इसे लॉकअप में डालो, यहाँ के दाल भात खाएगा ना तो सब कुछ उगलेगा। पर सर हमने जो भी किया बाबूजी के कहने पे किया। हाँ उनका भी नाप लेंगे। पूछने हम पुलिस वाले अच्छे से समझ रहे थे कि ये लल्लन चौबे फैमिली कोई दूध की धूली नहीं है और इस केस का भेद खुला भी जब इस केस का मास्टरमाइंड पंडित मुन्नीलाल ओझा सामने आया। आप ही थे ना जिन्होंने उस मरे हुए लड़के से दोनों लड़कियों की शादी करवाई थी? जी जी तंत्र विद्या में होता है। अच्छा तंत्र विद्या में लड़कियों का शारीरिक शोषण भी होता है?
जा चल। आओ लल्लन चौबे, ये पंडित जी ने सब बता दिया है, वो लड़कियों का शोषण सब कुछ बता दिया है। पंडित जी ने तो गंडा बांधा था हमको, पहले खुद गए और फिर अब सुहाग रात का रस्म पूरा होगा। और करेगा कौन? तुम्हारे बेटे बद्री की आत्मा हमारे शरीर में वास कर रही है, अब वो जो भोगेगा हमारे माध्यम से भोगेगा। मतलब विवाह का सुख वो हमारे शरीर से भोगेगा। भौजी ये दूध ले लो बेटा, पी लो, सगुन होता है। लो। बस नहीं, पूरा पी लो बेटा, सगुन होता है ना, पूरा पी लो। खेल हो रहा है हमारे साथ, बिया की बेदी पे हम बैठे हैं और साथी पर कबैया का सारा समझ में नहीं आता कि हम कहां करें। अब आप लोग बाहर जाइए। हाँ सुहाग रात का रस्म पूरा हुआ, दुल्हन अब बद्री युक्त हो गई है, अब जो भी इसको पहनेगा बद्री उसके माध्यम से सुख प्राप्त करेगा। किस किस को गंडा बांधा था? यादव जी जरा बुलवाइए इनसे। नहीं बोलोगे? विकास को तो हम ही दिए थे गंडा। और कौन कौन था? गांव में है दो चार लोग और भी। और सुमन के साथ भी? आज रात के बाद ये गंडा मैं तुमको दे दूंगा। आदमी अभी कबूल कर लीजिए पंडित जी, वरना बहुत पिटाई करेंगे। कोई हत्या नहीं करी हमने, कोई हत्या नहीं करी हमने। चौबे तुमने? नहीं साहब, हत्या बिल्कुल नहीं, हत्या नहीं की, हम मरे हुए बच्चे की सौगंध खा रहे हैं। जो कुछ किया था सब बक दिया ना आपके सामने, पर हत्या हमने नहीं की साहब, बिल्कुल नहीं की। यादव जी इन्हें यहीं सड़ाओ, बलात्कार और जालसाजी का केस लगाओ। सर बैठो यहाँ पे। सर कुलाड़ी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं है। यादव जी दो बातें हो सकती हैं, कातिल ने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चौबे परिवार के घर में छुपा दी जिससे हमारा शक उन पे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चौबे परिवार ने यह काम किया हो और कुल्हाड़ी अपने यहाँ छुपा दी जिससे हमें ऐसा लगे कि चौबे परिवार को फंसाया जा रहा है। सब सर राजेश राय की कॉल डिटेल्स। सर मधु के मर्डर के टाइम इसका मोबाइल वहीं पर था। तू तो कह रहा था कि तू मधु को छोड़कर चला गया था, पर सर ज्यादा दूर नहीं जा पाए, बहुत सेल्फिश है हम, बहुत कमी है। नहीं कितनी देर बाद वापस आए? सब पांच मिनट में आए तो। मधु अगर मैं उसको छोड़ के नहीं जाता तो सर शायद जिंदा होती हुआ। उसके बाद क्या हुआ? देख अभी तू बरी नहीं हुआ है, अभी मौका है सब बता दे वरना लंबा फंसेगा। सर हम बहुत डर गए थे साहब, तो सर हम अपने दोस्तों को फोन किए। कौन दोस्त? सुनील और
भगत यादव। सुनील और भगत जा। सब उन दोनों को हमारे अफेयर के बारे में मालूम था। हाँ। यही है ना तुम्हारे साथ के वो दो महारथी, तुम्हारे दोस्त? सर सर, हम तो बस दोस्त की मदद करने की नियत से सब किया साहब। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं सर, सूटकेस हम अपने घर से लाए सर, और पेट्रोल दोस्त से मंगवाया था सर, कहा कि वहाँ पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी लगा है सर। टीवी सीरियल बहुत देखते हो ना तुम लोग, अब असली थाना देखो। अच्छा, टीवी सीरियल में ये एविडेंस मिटाने का मतलब नहीं बताते कि उसका नतीजा क्या होता है? सर हम लोगों ने मधु को नहीं मारा सर, नहीं मारा सर हमने मधु को। एविडेंस मिटाए तुम लोगों ने और वो अपराध है, क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया? ये तो साबित होना बाकी है। सर इन तीनों की बातों से तो बिल्कुल पता नहीं चला है कि आखिर मधु का मर्डर किसने किया। अरे हमको तो इन तीनों के बयान पे ही विश्वास नहीं है। अरे 5 मिनट के अंदर कैसे कोई किसी को मार के जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर। साहब ये सुमन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, गहरा जख्म है। यादव जी ये मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल लीजिए। ले लीजिए सर। ये देखिए, ठीक वैसा ही गहरा जख्म, जख्म का साइज भी 5 से 5.5 इंच के बीच। यादव जी ये तो कन्फर्म है कि दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। क्या कर रही है पुलिस? हाँ? हमारे बेटे के हत्यारे को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कौन शोर मचा रहा है? देखो सर, हम ऊपर तक जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखना क्या हुआ है? हा? क्या हुआ, क्या हुआ हमारे बेटे के केस का? हाँ कहाँ है हत्यारे लोग? फांसी पे चढ़ा दीजिए उन चोबे और उसके परिवार वालों को। हत्यारे कहीं के पापी लोग हैं वो लोग, छोड़ नहीं किसी को, हम कह रहे हैं आपको। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस अपना काम करे, चलो चलो घर चलते हैं। माफ कीजिएगा साहब, क्या है ना कि बेटी के कारण थोड़ा सा परेशान है, चलो पुलिस अपना काम करेगी। हमारे हमारे बेटे के हत्यारे को छोड़ना दे। हाँ, पता चल गया। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे हमारे बेटे के हत्यारे को। यादव जी एक काम करो, जिस रोज सुमन की हत्या हुई उस रोज की और उसके आसपास के 2-4 दिन की इस केस से संबंधित सभी की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। कुल्हाड़ी पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे, ऐसा लग रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस केस से जुड़े सभी लोग किसी और ही पहलू की दस्तक दे रहे थे। दोनों लड़कियां दो अलग परिवारों से थी, लेकिन सबूतों को देखने से लग रहा था कि दोनों को मारने वाला कोई एक ही है, पर वो था कौन? शाह साहब आप लोगों से कितनी बार कहा है एक ग्लास हमेशा पानी से भरा होना चाहिए, अगर आप लोगों से नहीं होता एक जग ला के रख दो, मैं खुद ही भर लिया करूंगा। हाँ जाइए सर। सभी के फोन रिकॉर्ड चेक किए लेकिन किसी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला नहीं है, लेकिन सर ये प्रकाश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब दिख रहा है। क्या अजीब है इसमें? सर वो जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उसी दिन उसी समय तकरीबन 9:15 पर ये प्रकाश के फोन पर इन 6 अलग-अलग नंबरों से फोन आया था। हाँ तो उसकी ट्रेवल एजेंसी है तो फोन तो आएंगे ही। सर फोन तो आएंगे लेकिन इन 6 नंबरों में से किसी ने भी प्रकाश से 6 से 7 सेकंड से ज्यादा बात नहीं की है, मतलब प्रकाश को फोन किया, प्रकाश ने हाय हेलो की और फोन रख दिया। अजीब है सर। हाँ अजीब तो है। यादव जी पता करो ये लोग कौन हैं जिन्होंने प्रकाश को कॉल किया और क्यों? उनकी वाइफ उठाई थी फोन, बोले नहा रहे। उनकी वाइफ बोली बीमार है, बाद में कीजिएगा। विशेष मिश्रा से बात हुआ उस टाइम वो सो रहे थे। मिश्रा जी फोन पे अभी नहीं किए, पूजा पर बैठे थे, फोन वाई ना उठाया। ये बात कौन बोला आपको? और कौन, जिसने फोन उठाया उनकी वाइफ। मिश्रा जी कहाँ है, बुलाइए जरा। कहाँ बात है, वो मार्केट गए हैं। अच्छा जैसे 14 अगस्त को गए थे? मतलब मैं समझी नहीं। यादव जी ये देखिए, ये आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। 14 अगस्त को सुबह 9:15 के आसपास आपके पति के मोबाइल पर 6 अलग-अलग लोगों के कॉल आए थे जो आपने उठाए थे।
एक बार वो बीमार थे, दूसरी बार स्नान करने गए थे, फिर वो पूजा कर रहे थे, और भी कई चीजें। कैसे कर लेते हैं आपके पति इतना सब कुछ एक साथ? बोलिए। वो हम कह दिया ना, हमें याद नहीं है। अच्छा तो आपको याद नहीं है तो थाना ले चलते हैं आपको, तब याद आ जाएगा। संगीता बैठाओ ना जीप में, चलिए। नहीं नहीं छोड़िए। अरे चलिए, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या, हम बताते हैं। हम बोले थे इनको ये सब मत करो। अरे कहाँ जा रही हो? से मिलने जा रहे हैं हम। ए, रुक। मतलब ये हुआ कि अभी ससुराल से भाग के आई है, आप फिर दोबारा मुंह में करीखा पोतने के लिए बाहर जा रही हैं? हमने अपना मुंह काला नहीं किया, आप लोगों ने हमारा मुंह काला किया। आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपनी कुची की बलि चढ़ा दी, लेकिन अब बस, अब ना हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। ए, मधु, मधु, ए, दरवाजा खोल। आप रहने दीजिए, हम बात करते हैं उससे। मधु, अरे चुप रहो तुम, सर पे चढ़ा कर रखा है इसको, हैं? पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी हमारी, चुप रहो तुम। मधु, ए दरवाजा खोल मधु। अरे मधु, मेरी बात बात सुन। अरे मेरी बात तो सुन। अरे अभी नहीं है ना हमें। मधु बेटा सुना तो मेरी बात। मधु अब क्या हो गया सर, क्या हुआ? हम सब बता ही दिए। सर हम उस दिन मधु के पीछे गए थे और राजेश तुम लौट जाओ। राजेश इज्जत के लिए बेटी को मार दिया, लौटा इज्जत। और सुमन को मार के क्या हासिल हुआ? उसको भी आपने मारा ना? हम जानते थे सर कि एक दिन मधु का लाश पुलिस को मिलेगा और पुलिस का पूरा शक जो है ललन और उसके फैमिली पर जाएगा। और उस शक को पक्का करने के लिए सुमन को मार दिया। जी सर, सुमन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, लेकिन उन लोगों ने उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दी थी। एक दिन मुझको पता चला कि सुमन ने उन लोगों के ऊपर केस किया है, तो उस दिन से उसके घर में हम निगरानी रखने लगे थे। इंतकाम लेने वाला इंसान हमेशा दो कब्र खोदता है, एक उसकी जिसको वो मारता है और दूसरी खुद की। हमने प्रकाश मिश्रा उसकी पत्नी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया और साथ ही चौबे परिवार को धोखाधड़ी, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल की। मधु मिश्रा के परिवार ने चौबे के मंसूबों को नहीं पहचाना। शादी के एक दिन बाद ही जब बेटी घर वापस आ गई और उसने बताया कि उसकी शादी फर्जी है, तो भी उन्होंने उस दस्तक को नहीं सुना। नतीजा बेटी हाथ से निकल गई और उधर चौबे परिवार भी दस्तकों के प्रति बहरा बना रहा। कभी कभी इंसान अपने मतलब के लिए अंधविश्वास पर भी विश्वास करने लगता है, जरूरत से ज्यादा उससे उम्मीद बिना उसके अंजाम को समझे। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.